भाई बहुत ज्यादा कांप रहा है, बहुत ज्यादा भाई। ये तो ऐसे ऐसे जा रहा है, देख लो यार, अंधों को भी दिख रहा है ये तो। ये तो पूरा ऐसे हो रहा है, स्टीयरिंग निकल के कहीं चला जाएगा। हेलो भाई भंडवार, हमारी गाड़ी चल चुकी है स्कॉर्पियो एन 1820 किलोमीटर। कंपनी रिकमेंड करती है 1 महीना या फिर 1000 किलोमीटर या फिर 1500 के आसपास अगर आपकी गाड़ी चल जाती है तो इसकी फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर ले आओ। हम इसमें देख लेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चल गई है, 1820 इतना चल जाता है भाई। अभी प्रॉब्लम सी में बात करता हूँ फटाफट, और आज मैं इसकी सर्विस करवाने इसको लेके जा रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इसमें रिजोल्व हो सकती है, मतलब जो बाकी गाड़ियों में नहीं है, केवल इसी वाली पीस में है। अब ऐसे तो मैं नेगेटिव इसकी वीडियो बना रखी है, लेकिन वो ऐसी है कि सभी गाड़ियों में, लेकिन कुछ इसमें ऐसी दिक्कतें हैं जो केवल इसी वाले पीस में है। जैसे भाई इसका जो हॉर्न है मेरी वाली का, ये नहीं बज रहा। वैसे मैं और वीडियोस देखी उनमें बज जाते हैं, लेकिन ये नहीं बज रहा कि भाई यहाँ से बढ़िया है, यहाँ से ठीक है। लेकिन इसका ये वाला जो पोर्शन है, तो ये वाला हब इसका खुल के मेरे ख्याल से कुछ तो इसमें होगा। एक तो इसमें ये इशू है, प्लस मेरी में यहाँ पे भाई क्लच में थोड़ा सा मेरे को इरिटेशन लगती है जब मैं इसको दबाता हूँ, थोड़ी वाइब्रेशन जब इंजन ऑन रहता है। गियर शिफ्टिंग भी मेरे को इसकी हार्ड लगती है, तो ये वाली चीज़ भी मैं इसमें दिखा लूंगा। इसके अलावा भाई गाड़ी ये कांपती है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे, मैं जब मैं लेके जाता हूँ, फिर खड़ी खड़ी भी कई बार कांपती है। देख रहे हो भाई, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा है, ये क्या वाइब्रेट कर रही है स्कॉर्पियो, एकदम जनरेटर सा चलने लग गया इसका। कितना भयंकर जनरेटर चल रहा, अब तक तो बंद हो जाए। ये देखो क्या चाह रहा है यार, ये बंदी ना हो रही इस बार तो। ये देखो, अरे ये गजब ही प्रॉब्लम है यार इसकी। अब ठीक है भाई, इसके इंजन में पता नहीं कहाँ को सॉलिड प्रॉब्लम है यार। देख फिर से स्टार्ट। ये देखो ज्यादा तेजी कर रही है, ये हैगी बंदा, ये तो दिखानी पड़ेगी यार, जल्दी जल्दी सर्विस करवाने लेकर जाएंगे। देख इसके अलावा वैसे गाड़ी गंदी भी बहुत ज्यादा हो रखी है, तो धो देंगे भाई वो बढ़िया तरीके से। अब मेरे को मेन चीज ये देखनी है, जैसे मैं महिंद्रा थार की सर्विस करवाने जाता हूँ, तो हमेशा मेरे को आफ्टर सेल सर्विस उनकी बहुत ही बकवास लगती है। अब ये डीलरशिप भी वेरी कर सकता है। अभी मैं एकदम नई डीलरशिप पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ये एक्सपीरियंस देखूंगा भाई कि अब भी इनकी, मतलब इस गाड़ी को लेके कुछ अच्छी प्रीमियम सर्विस है, या फिर ऐसी जैसे थार वगैरह के टाइम पे ये लोग ट्रीट करते हैं नॉर्मली, ऐसा ही हमको ट्रीटमेंट मिलेगा। और बाकी चल के ये भी देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आ गया हो, जिसमें एप्पल कार प्ले आ गया हो तो अच्छी बात है। एंड्रॉइड ऑटो तो इसमें प्री बिल्ट है, मतलब मेरी में आ रखा है पहले से ही, जिसकी में ये नहीं है, तो वो अब सर्विस सेंटर जाएगा, सर्विस करवाने तो वो डाल देंगे, लेकिन एप्पल कार प्ले का पूछना पड़ेगा। आ जाएगा तो भाई बेस्ट है यार, ये और एक प्रॉब्लम है इसमें। अब ये प्रॉब्लम तो नहीं, ये ऐसी चीज है कि आ जाएगी जहां तक उम्मीद है, क्योंकि ब्रोशर में अगर एप्पल कार प्ले लिख रहा है ना, तो आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो वैसे एक यहाँ पे और खुला है भाई, गुड़गांव वाले सोना रोड पे ना ये शोरूम, लेकिन क्या है ये शोरूम तो खोल देते, लेकिन सर्विस का नहीं खोलते लोग ना, और स्कॉर्पियो जैसी की सर्विस ये मेरे ख्याल से लोकल नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी ना ऐसे ना समझे जैसे मारुति वारुति के हुंडई के आसपास मिल जाते हैं, आजकल महिंद्रा के भी शोरूम ऐसे हो गए हैं कि बस आपको वैसे मेजर सिटीज में देखने को मिलते हैं। जो मैं सबसे मेजर इशू की बात कर रहा था ना कि स्टेयरिंग कांपता है, ये देखो 100 की स्पीड से ऊपर जैसे ही गया ना भाई, मतलब आप अगर इस पे बैठोगे तो आप समझ पाओगे कि कितनी बुरी तरीके से स्टेयरिंग वाइब्रेट करने लग जाता है। देखिए जैसे बढ़ता जाएगा, आप अगर नोटिस करोगे तो मैं कैसे आपको दिखाऊं, कैमरे में ना कैप्चर नहीं होता, क्योंकि जो वाइब्रेशन वाली चीज़ है ना वो आपको दिखती नहीं है। तो ये देखो आप स्टेयरिंग कितनी बुरी तरह कांप रहा है भाई। अब इसका रीजन मेरे को नहीं पता, ये ऐसा नहीं है कि टॉप स्पीड में केवल कांपता है, ये भाई खड़ी खड़ी गाड़ी में भी कांपता है। ओ भाई देखो इफ यू कैन नोटिस इट, ये देखो जैसे मैं 150 स्पीड पे फिलहाल चल रहा हूँ। अब मेरे को चिंता इस बात की है, क्योंकि मेरे को 3 तारीख को कहीं ट्रिप पे निकलना है, बहुत ही दूर, और वहां पे ये इस तरीके से अगर बिहेव करेगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो रहा है ना, मैं बिल्कुल मतलब चला ही नहीं पा रहा गाड़ी को। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे देखना मैं कम से कम रिकॉर्ड कर पाऊंगा भाई, क्योंकि जगह जगह इन्होंने नोटिस लगा रखे हैं, रिकॉर्डिंग टेपिंग फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये भाई बड़ी सी वर्कशॉप है, मैंने सबसे बड़ा सर्विस सेंटर ढूंढा जहाँ जल्दी काम हो जाए, बड़े के चक्कर में भैया इतनी गाड़ी खड़ी है। एक तो इनका बेखाली नहीं, अभी मैं किया में गया कुछ दिन पहले, खाली पड़ा था, और यहाँ पे अलग ही सीन रहता है। पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है टाइम के साथ इसकी वाइब्रेशन बढ़ गई गाड़ी की। अभी क्या है, इन्होंने बोल दिया 1:40 तक लंच है, तो आप प्लीज वेट करिए। तो अभी थोड़ी देर बाद हमको एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया भाई, फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं होता तो सब बक्के आते हैं कि हमको दे दो, ऐसा हो गया। अभी ये कह रहे हैं हम रोड टेस्ट कर दे, जो आप कंप्लेंट बता रहे हो मैंने बता दी, मैंने लिखवा दी कि कौन कौन सी है, तो इन्होंने फोटो भी खींच लिया। अब थोड़ा रोड टेस्ट पे चलते हैं, वहां पे ये खुद देखेंगे क्या प्रॉब्लम इनको फील होती है क्या नहीं होती। तो लो भाई अपना सामान रख देते हैं इसके अंदर पूरा, और ये अब जाएगी सर्विस पे, फोटो वोटो हो गए। स्टीयरिंग इसका बहुत कांप रहा है, ऐसे ही नॉर्मल
इसको हाईवे पे ले चलो। और एक बार कई बार ऐसे खड़ी है ना, इनिशियली स्टार्ट करी तो स्टेयरिंग पूरा डैशबोर्ड पूरा एकदम ऐसे बिल्कुल मतलब जैसे अभी टूट के गिर जाएगा ऐसे भी करता है। चौथा गियर अटकता है और इसकी जो क्लच आप प्रेस करोगे तो वो स्मूथनेस नहीं है, ऐसे रहता है ना लोहे से लोहा एक बार अड़ता है ऐसे वाली सीन हो रहा है। ये दबाओ आप इधर ये यहाँ प्रेस करने से ज़्यादा नहीं बजेगा क्या, इतना ज़्यादा प्रेस करने से ही ये इसमें दिक्कत है। आप एक बात ये देखो और ये देखो सर, ये ना बताओ यहाँ है ना हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, आप भी हो चाहे कोई भी यहाँ पे। नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड हूँ, मैं तो यूज करूँगा, ये क्या लॉजिक हुआ। चलो सारी स्कॉर्पियो में दिखाओ ये दिक्कत तो मैं मान लूँ। तो यार रुक रही नहीं है सर कहीं, हाँ नहीं आ रही, नहीं आ रही लगता है अपनी नहीं है। अरे अपनी है, चलाओ आप देखी जाएगी। 83,000 का इंश्योरेंस कटवाया है। अरे मेरे भाई है यार, मैं तो 130 तक खींच दिया, 40 तक खींच दिया, अब क्या करें। ओह माय गॉड, इट इज सीरियस इशू। अब मुझे पता है कैसी फीलिंग आ रही है कि मैं कितना बड़ा झूठा हूँ इस दुनिया का। नहीं नहीं, नहीं। अब आप कह रहे हो ये चीज हम नहीं मान सकते हैं कि नहीं, अगर क्योंकि अगर आपको दिखेगी तभी आप मानोगे। मुझे विश्वास है, हो सकता है अभी भी, मैं 100% कह रहा हूँ हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। तो हमें ऑब्जर्व ये कर ये होना है, हमें ढूंढना पड़ता है आखिर करना क्या है इसमें, प्रॉब्लम किस टाइप का है हमें वो देखना है। वाइब्रेशन भी कई तरह का है, एक क्या है ऑटोमेटिक मतलब चलोगे तो बिल्कुल स्टीयरिंग कंपना स्टार्ट, एक होता है ब्रेक पे है, हमें वो भी देखना है ना। और झूठे हम कुछ भी कह देंगे तो फिर कोई पॉसिबल नहीं है इन चीज़ का, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। बिल्कुल सच बात है, छोड़ दो छोड़ दो, हो तो रही है, यही तो होती है और क्या है, वाइब्रेशन सर ये हो तो रही है। ये सर ये स्टीयरिंग है ना ऑटोमेटिक ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, ये पता कोई रोड का वाइब्रेशन है इसको क्या करेंगे। अरे सर ऐसा करो, हरिओम भाई आप स्कॉर्पियो ओनर हो ना, आप आओ सीट पे, आप बताओगे हो रही या नहीं हो रही। हाँ आप साइड लगा लो गाड़ी को। अब देखा भाई इनका कहना क्या है, इनको फील ही नहीं हो रही वो वाली चीज, वो ये इन्होंने सदा तो स्कॉर्पियो पुरानी वाली चलाई, देखो ये बुरा मत मानना पर सच्चाई है, तो इनको वाइब्रेशन ये नॉर्मल लग रही है। लेकिन मैं इसीलिए मेरे को पता था ऐसा हो सकता है, तो मैंने एक और भाई बुला लिया जिनके पास स्कॉर्पियो है सेम मॉडल, बस 4x2 है उनकी, तो उनको भी चलवा के दिखवाता हूँ हरिओम भाई कि आप खुद चेक करो ये, क्या पता मैं ही गलत हूँ कि भाई मुझे ऐसे लग रहा हो कि मैंने स्मूथ गाड़ी चला रखी है, खाली मेरे को ये ऐसा लग रहा हो कि भाई इसमें वाइब्रेशन है या फिर ये नॉर्मली सभी गाड़ियों में हो, तो एक बार इनसे भी चलवा लेते हैं। ऐसा लग रहा है इंजन कितना कांप है, है ना। हाँ। पहले नहीं थी ना ये प्रॉब्लम मेरे को, यहाँ तक बैठे बैठे महसूस हो रही है, मैं तो खुद की अभी स्कॉर्पियो तो चला के ला रहा हूँ, अभी इंजन में ही ऐसा लग रहा है कि कितना कांप रहा है, तो टेस्ट ड्राइव भी आज तक बैठे बैठे आज तक भी पूरी वाइब्रेशन फेल हो रही है। वो वाइब्रेशन जो आप कह रहे हो ना स्टीयरिंग वाला, वो मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, वो नहीं कह पा रहे हो, कोई और कहीं और जा रहे हो। नहीं मैं पता है अगर मैं इसको चंडीगढ़ से लेके आया इस गाड़ी को तो वो चीज मेरे को पहले ही पता चल जाती है ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टार्टिंग से है ही ऐसी प्रॉब्लम इसमें, ये कह रहे हो आप। कोई नहीं एक बार देख लेते बेफिक्र यार, मेरे को पता है बहुत दूर जाना है अभी 3 तारीख को ना, 1700-1800 किलोमीटर दूर गाड़ी लेके, कोई दिक्कत मैं चाहता हूँ गाड़ी हो जाए परफेक्ट एकदम, ऐसे ही कर दें गाड़ी की टेंशन हो जाओ। हाँ यार भाई यहाँ तक बैठे वाइब्रेशन फील हो रही है, पता नहीं इंजन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, भगवान जाने यार। आपको डीजल है पेट्रोल है सर? डीजल है, सेम यही है, सेम है बिल्कुल। आपके 4x4 नहीं है ना? अरे 4x4 में लगी भी नहीं हुई तो, 4x4 में लग भी कहां रही है सर, मिडल तो काम कर रहा है, नहीं काम देख स्टीयरिंग देख है सर, मिडल तो काम कर रहा है, एक्सल तो काम कर रहा है इसका, है नहीं है डिफरेंस है, मुझे तो अभी लग रहा है 150 तक जाने की जरूरत क्या है, अभी लग रहा है ये तो 80 पे ही लग रहा है, बढ़ रही है ना स्पीड के साथ। हां स्पीड के साथ सब बढ़ रही है भाई, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है इनसे वाइब्रेशन, देख ना भाई ये तो ऐसे ऐसे जा रहा है, देख लो यार लग रहा है ढीला भी लग ऐसे ही, अंधों को भी दिख रहा है ये तो, ये तो पूरा ऐसे हो रहा है स्टीयरिंग निकल के कहीं चला जाएगा। अब खुल गया इसकी वाइब्रेशन ना थोड़ी, वो वाइब्रेशन ओपन हो चुकी है। अब सर आ जाओ, अब बताओ आप, खींचो सर दबा के खींचो, अब कैसे लग रहा है सर, हो रहा है ना जो
कहना चाह रहे हो नहीं कह पा रहे, जो नहीं कहना तो आप समझाओ ना। कर दो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो क्या स्वाद आ रहा है, मसाज मिल रही है आपके हाथों को, नहीं मिल रही। तो अभी रोड टेस्ट भाई अपना पूरा डन हो चुका है, भाई को पा चुकी है इसकी कंप्लेंट। अभी कह रहे हैं बैलेंसिंग वगैरह करवा के देखता हूँ, ठीक हो जाएगी। बाकी हमारे साथ हरिओम भाई भी हैं, ये इनके पास भी स्कॉर्पियो मैनुअल है ना ब्लैक कलर की, तो इन्होंने भी चला के देखी। तो है ना भाई इशू आपको लग रहा है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, एम आई बोलिंग झूठ भाई इसमें एक्चुअल में है प्रॉब्लम यार है। पर भाई हमको भाई ने कह दिया है सर जी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक करके दूंगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। अभी देखो भाई जो हम सर्विस देने गए थे ना, मतलब वो ड्राइव लेने गए थे, वो 3 बजे गए थे, अभी 5:23 पे हम दोबारा आ गए हैं। मैं हरिओम भाई ने जैसा कि मेरी गाड़ी ड्राइव करी थी तो बड़ी दिक्कत लग रही थी ना, भाई लग रही थी। मैंने भाई की फिर इसीलिए ड्राइव करके देखी एक बार कि मैं ड्राइव करके देखता हूँ, इसमें नहीं है भाई कोई भी ना, ये 4x2 है भाई की। तो भाई अभी मैं इसका 1-2 घंटे ढंग से हम इसका टेस्ट लेके आए, इसमें बिल्कुल भी ना कोई वाइब्रेशन है ना कोई भी ऐसा गियर का इशू, मतलब इतना नहीं अटकता ना क्लच में इतना अटकता। लेकिन मेरी वाली का भी क्या स्टेटस है ना, अभी चल के मैं देखता हूँ कि भाई क्या काम कर दिया क्या नहीं करा है, क्योंकि अंदर शूट करने नहीं देते वैसे तो ना, इसलिए थोड़ा इनका ऐसा ही सिस्टम है। अब सब ने ये सारी कंपनियां ऐसी होती जा रही है कि नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, ये चीज़ गलत है यार। बंदा अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो उसमें क्या ही दिक्कत है। तो अभी तो धुली वुली कुछ भी नहीं है भाई ये, ओहो माई गॉड मन लगता है, वैसे तो हो गई होगी ठीक। मिलता हूँ मैं एग्जीक्यूटिव से। अभी भाई साहब हमारी गाड़ी खड़ी है वॉशिंग वाली लेन में, वॉशिंग वाली लेन दिख रही हो भाई साहब, देखो कितनी लंबी यार, देखना कितनी दूर तक और कितना टाइम लगेगा। भाई बोल रहे हैं हमारे 1 घंटा लग जाएगा इसके अंदर ना। वैसे जो हमारे सेल्स वाले जो सर्विस वाले बंदे ना एडवाइजर, बहुत प्यारे क्यूटी पाई है वो मैं जैसे क्लच दिखा तो इन्होंने मतलब अभी ल्यूब्रिकेशन वगैरह करवा दिया, और भाई सही में मतलब ऐसे एकदम वो हो गई है एकदम स्मूथ सी। तो मैंने भाई से ऐसे बोला थैंक यू सो मच, तो भाई ने बोला अभी थैंक यू मत बोलो, गाड़ी चलाओ फिर बताना, जेन्युइनली थैंक यू बोलना। फिर भाई ये गियर्स का तो मेरे को कुछ लगेगा, मैं आगे करता हूँ अपनी गाड़ी को ना, आगे लेके आता है। और ये कह रहे हैं इसके लिए ना उन्होंने जो स्टेयरिंग व्हील है इसके लिए बैलेंसिंग इसमें करवा दी, तो वो चीज़ और देखते हैं। और तो इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, हॉर्न की हाँ हॉर्न देखो भाई अब दोनों साइड से ओके हो गया, देखो देखो दोनों साइड से मस्त बज रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बार वॉशिंग हो जाए, क्योंकि वॉशिंग में पता वॉशिंग इसलिए ज़रूरी है, टाइम तो लग जाए उसके नीचे जो ऑफ रोडिंग करी थी ना उसकी इतनी इतनी मिट्टी जमी पड़ी होगी मेरे को पक्का पता है। तो यहीं से वॉशिंग करवा के चलते हैं ना, फर्स्ट सर्विस में होता ही क्या अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो केवल वॉशिंग करके गाड़ी दे देते हैं। आप कोई भी गाड़ी ले लेना, हर फर्स्ट सर्विस में हर कंपनी यही करती है, तो वॉशिंग तो कैसे छोड़ दे। अब देखो टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, तो ये भाई कह रहे थे वॉशिंग छोड़ दो वैसे ही ले जाओ, हमने कहा भाई ऐसे कैसे वॉशिंग छोड़ देंगे, फर्स्ट सर्विस होती इसलिए। तो हो गया भाई अपनी भी ठीक है ना, हाँ पर यार वो ये अब कब जाके नंबर आए यार भगवान जाने। ऐसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है भाई, फर्स्ट सर्विस में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अब 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ी खड़ी है, इनके बाद अपना नंबर है। वैसे देखो भाई महिंद्रा का लॉन्च इनका बहुत बढ़िया है, मैं बोला था ना डीलरशिप टू डीलरशिप भी ये चीज़ वेरी करती है, यहीं से बैठ के अपनी गाड़ियाँ देखते रहो। लेकिन हमारी हमको दिख नहीं रही कहीं पर भी, ऐसे पूरा काम यहीं से लाइव दिखता भी रहता है। वेट करते हैं यार कितना टाइम ले लें, यहाँ पे आप टीवी देख सकते हो, बढ़िया है लेकिन इनका जो बना रखा है ना। बाकी जो मैं आज तक महिंद्रा के में गया हूँ सबसे बेस्ट मेरे को अभी तक गुड़गांव में यही लगा यार, ये थोड़ा टक्कर दे सकता है किया भी आपको। बज के भाई 6:06 और देखो भाई महिंद्रा में रात रात भर काम चलता है प्रॉपर पूरा, देख रहे हो कितनी वो है। तो हमारी गाड़ी धोरी गई है, जाके देखता हूँ भाई ऑफ रोडिंग के बाद प्रॉपर यार धोरी है। मैंने तो ऐसे फॉर्मेलिटी कर दी थी, कितनी प्यारी लगने लग गई यार पूरा नीचे से। उनका उठाने वाला सिस्टम नहीं है धोने के लिए ना, लेकिन सही अच्छा लग रहा है। इस कलर को देखो डीप फॉरेस्ट, और इस कलर को देखो, देखना भाई ये कैसे धुप धुप खिल रहा है, और ये पुरानी पुरानी सी लगने लग गई डीप फॉरेस्ट अभी से। ये देखिए हमको मिल चुका है हमारा गेट पास स्कॉर्पियो NZ8 फोर व्हील ड्राइव लग्जरी पूरा, क्योंकि 6:16 हो गए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा बिल कितना है हमारा। तो बिल भाई कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल इज 0-0 क्योंकि इसमें फर्स्ट सर्विस है। एक महिंद्रा की बहुत कमाल चीज़ दिखाऊँ, बोलेरो भी यहीं सर्विस होते, स्कॉर्पियो एन भी, मतलब इनके पास आप देख रहे हो कितनी वेराइटी है ना, मतलब बोलेरो भी सब यही कर रहे हैं और स्कॉर्पियो एन भी ये सर्विस कर रहे हैं। नहीं यार इतने सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तभी मज़ा आता है भाई ज़िंदगी में। वाह क्या चमक रही है, अभी 6:30 तक भी नहीं मिली है, अभी कुछ पॉलिस हो रही है इस पर कपड़ा लग रहा है मेरे ख्याल से। अभी भाई ये ऐसे इंडिकेटर जल रखे थे इसने, हमने कहा भाई तुम रहने दो, कोई लगी नहीं रात इस पे, हम तो गाड़ी में बैठे और मैं चलते बने भाई 6:30 हो गए यार, रात अंधेरा गुप कत, सर्दियों में आपको पता ही कैसे वो हो जाता है,
यहाँ से चलते हैं और यहाँ से निकाल के खुद ही, वैसे तो यहाँ तक छोड़ने आते हैं पर हम कह रहे भाई हम खुद ही ले जाएंगे, कोई सब वर्कर वर्कर मेरे ख्याल से चलेगे लगते हैं, पर इतनी रात तक काम कर रहे हैं यार अप्रिशिएबल यार, वरना कौन सब भाग जाते, कस्टमर तो कोई बचा ही नहीं है, बस हम ही बच रहे थे। लगना लगेगा ना, ये लो भाई गेट पास। अब देखो भाई हम गाड़ी को ले आए अपनी को, रोड टेस्ट उन लोगों ने लिया नहीं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा था। तो यहाँ पे क्या करा है उन्होंने, उन्होंने बोला हमने नेटवर्क टाइट कर दिए नीचे से और इसमें वो लुब्रिकेशन वगैरह करी करी तो है, तीसरा गियर स्मूथ हो गया लेकिन चौथा स्टील ऐसा ही है और जो क्लच है वो थोड़ी लाइट से जरूर से हो गई है क्योंकि लुब्रिकेशन हो गया, वो ग्रीस में थोड़े देनी चलेगी। अभी इन्होंने पता है इसके साथ मैं बता दूं शेयरिंग के साथ ना करा तो है वो नट टाइट कर दिया ना, तो क्या है ना जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि ये ना हाई स्पीड पे भी लाइट रहता है स्टीयरिंग व्हील, अब ये टाइट तो हो गया है हाई स्पीड पे लेकिन भाई वो जो वाइब्रेशन का इशू है ना ये नहीं मिटा पाए हैं, वो स्टिल इसमें बरकरार है, पर वो ये थोड़ा सा स्टीयरिंग टाइट होने की वजह से वो ज्यादा महसूस नहीं हो रहा, स्टिल वो इसमें है। अब वो ना भाई बैलेंसिंग और उस सब से मेरे ख्याल से दूर नहीं होगा क्योंकि ये ना खड़ी गाड़ी में भी करता है, अगर बैलेंसिंग वगैरह का देखो अब भी कांप रहा है भाई ये, अगर बैलेंसिंग वगैरह का इशू होता है ना तो खड़ी गाड़ी में कभी करता ही नहीं, लेकिन ये कई बार गाड़ी हमारी खड़ी खड़ी भी ऐसे वाइब्रेशन करती है ना बहुत बुरी तरीके से, मतलब लो स्पीड पे भी। ये देखो स्टिल इसमें 120 की स्पीड पे वाइब्रेशन हैं पर इतनी नहीं है जितनी पहले थी क्योंकि अभी इन्होंने शेयरिंग टाइट कर दिया है ना, बट भाई ये मेरे को पक्का पता है थोड़े दिन बाद ना फिर मेजर हो जाएगी और नहीं भाई 127 की स्पीड पे मैं बिल्कुल ये चीज़ टॉलरेट नहीं करूँगा। नहीं आया मजा यार, नहीं आया सच में नहीं आया मजा, उनको कॉल करूंगा सर्विस एडवाइजर को दोबारा, ये कुछ और ही फॉल्ट है इसके अंदर भाई, ये हो ही नहीं सकता कि बैलेंसिंग से ठीक हो जाए। तो ये था भाई पूरा सर्विस एक्सपीरियंस अपनी महिंद्रा के साथ इसका स्कॉर्पियो एन का, और ओवरऑल फ्री में 0 रुपीज हमने सर्विस चार्ज, जैसा कि लगता है फर्स्ट सर्विस में कुछ भी नहीं होता भाई, केवल ऐसे मेनली चेकअप के लिए होता है गाड़ी में कोई कंप्लेंट हो, जैसे कंप्लेंट इसमें हमारी में निकली थी कि भाई स्टेयरिंग का इशू है, तो मेनली कंप्लेंट के लिए 1000 वाली सर्विस होती है, वैसे कुछ भी नहीं होता, ज्यादा सर्विस वॉशिंग करके देते हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम ना होती ना तो आधे घंटे में हमको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लग गया। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।